जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिज़ाइन ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। अब आपको ये पेज ओपन करके जानने को मिलेगा कि ये भर्ती मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिजाइन ट्रेनी की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि एज लिमिट 18 से 28 साल के बीच रखी गई है। और आप लोग ये फॉर्म 2 मार्च 2022 तक भर पाएंगे। यहां पर आपको डिसिप्लिन वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में जानने को मिल जाएगा। क्या आपको सैलरी मिलने वाली है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा ये सब आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको नीचे क्या करना है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके डिटेल्ड में नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेना है। अगर कोई सवाल डाउट हो इसके बारे में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अब आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि आप यहां से नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर चेक कर सकते हैं। बट अगर आप ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं तो आपको यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपकी ईमेल आईडी मांगी गई है, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहां पर एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद आप यहां पर नीचे देखेंगे ईमेल आईडी, यानी कि दोबारा आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है। तो आपको ईमेल आईडी दोबारा टाइप कर देनी है। इसको टाइप करने के बाद यहां पर आपसे पूछा है आपका नाम, जो कि 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है श्री, श्रीमती या फिर सुश्री, जो भी आप लगाते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर क्या है कॉम्बो ऑफर, जो कि दो तरह के है। एक है आपका प्लस कॉम्बो, जहां पर आपको डायरेक्टली 4500 रुपए की छूट मिलेगी। और दूसरा है आपका प्लस जीएस, इसमें आपको फ्लैट 2500 रुपए की छूट मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप मेरे कोड AMJAD10 का इस्तेमाल करते हो, जो कि आप यहां पर डिस्प्ले पर देख पा रहे हो, तो आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिल जाएगी। इसकी जो मेन हाईलाइट है आपके ऑफर की वो आप देख सकते हैं। 12 मंथ का जो प्लान है आपको यहां पर ओनली 51,471 में मिल जाएगा, जहां पर आपको अप टू 10,219 रुपए की छूट मिल रही है। तो जल्दी से आप इसको इनरोल कर लीजिए। आपको इनरोलमेंट लिंक एंड मेरा कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखिए कि यहां पर आपको अलग से फ्री विद 1 ईयर एंड अबो सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपको यहां पर 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है इस कॉम्बो ऑफर के साथ में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा ऑफर है। कभी आपको कम टाइम के अंदर ऐसा ऑफर मिलता है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका इस्तेमाल करके ज्वाइन कर लीजिए। और कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें अगर आप अतिरिक्त 10% की छूट चाहते हैं। जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद जो आप नाम लिखेंगे, ये आपका जैसा कि मैंने कहा कि 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको एंटर करने के बाद नीचे आप देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको पहले डे सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ, और इसके बाद में आपका ईयर, जो भी आपका ईयर है। फिर आता है माता का नाम, यानी कि आपकी माता जी का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। डिसिप्लिन आपका क्या है, यानी कि आप कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एरोनॉटिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर वेबसाइट रिफ्रेश होगी। इसके बाद आप देखेंगे इंजीनियरिंग की शाखा, यानी कि ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, आप कौन सी ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां से मैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। ध्यान रहे कि आपके पास अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपसे इंटरव्यू के टाइम मांगा जाएगा, और आप यहां पर ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के रूप में ST सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आती है नेशनलिटी, नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है, यानी कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा है कि क्या आप आंतरिक अभ्यर्थी है, यानी कि क्या आप हाल के अंदर ऑलरेडी काम करते हो। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको ना करना है। फिर आपसे अगला सवाल पूछे कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, यानी कि वहाँ के परमानेंट निवासी थे। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप कमीशन ऑफिसर, जो कि ECOS या फिर SSCOS के अधिकारी है। अगर
अगर हाँ तो यहाँ पर भी आपको नो करना है, यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अब आपसे यहाँ पर आपका फोटो मांगा है जिसका साइज 180 KB से ज़्यादा न हो, तो आपको बोला है कि फोटोग्राफ को ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में दर्शाया जाएगा, यानी कि ये फोटो आपका आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आएगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर एक डेमो के लिए फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके फाइल का जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जितनी भी जानकारी आपने भरी है एक बार चेक कीजिए और चेक करने के बाद नीचे सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने जो आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर जानकारी भरी है वो देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी अभी भी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि फादर नेम। तो जो भी आपके पिताजी का नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड या फिर सिंगल, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, तो यानी कि आपको यहाँ पर आपका स्थायी पता एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको इन तीन बॉक्स के अंदर बेसिकली पूरा एड्रेस देना है और यहाँ पर आपको आपका पिन कोड एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आता है सिटी, तो जो भी आपकी सिटी है वो सिटी यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। फिर आता है आपका स्टेट, तो जो भी स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर दे दीजिए पिन कोड के साथ में, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अब आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर कर देना है। फिर आता है पत्राचार का पता, यानी कि कम्युनिकेशन या फिर कह लीजिए कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको नीचे टिक करना है। ये टिक करने पर आपको दोबारा से आपका परमानेंट एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो जो भी आपके पास का स्टेशन है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है, तो आपको वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। आपका रिलीजन कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब आपको नीचे पहले जो जानकारी आपने भरी थी वो यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। अब आती है सेक्शन की योग्यता, यानी कि एजुकेशनल डिटेल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले 10th की जानकारी देनी है, तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको परसेंटेज या फिर CGPA जिसके अंदर भी आपके नंबर थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल के अंदर आपने पास की थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर सेम वे में आपको यहाँ पर 12वीं की जानकारी भी भरनी है। ये भरने के बाद आपको सेम तरीके से आपकी परसेंटेज एंटर कर देनी है और यहाँ पर आपको आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आती है ग्रेजुएट डिग्री, तो यहाँ पर आपसे पूछा है आपकी डिग्री का नाम, तो यहाँ पर इनमें से आपके पास कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो चलिए मैं क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो आपका डिसिप्लिन है वो ऑलरेडी ऊपर दिया गया है, बट यहाँ पर अभी आपको काफ़ी सारी जानकारी भरनी है। तो आपसे पूछा कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, यानी कि कितने साल का आपका कोर्स था, 3, 4, 5, तो यहाँ से मैं 4 ईयर सेलेक्ट करता हूँ। फिर आता है अध्ययन का माध्यम, तो यहाँ पर आपको बताना है कि फुल टाइम है, बेसिकली इसमें फुल टाइम वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। संस्थान का नाम, यानी कि कहाँ से आपने किया, अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से किया तो आपको ऊपर भी यूनिवर्सिटी का नाम देना है और नीचे भी आपको विद्यालय के नाम के अंदर यूनिवर्सिटी का नाम ही देना होगा। बट अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो आपको ऊपर उस कॉलेज का नाम देना है और नीचे आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से वो एफिलेटेड है। फिर आपको यहाँ पर नीचे बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपके नंबर्स की जानकारी देनी है। सेमेस्टर वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको बोले कि सेमेस्टर 1st एवं 2, यानी कि 1, 2 के मिलाकर के आप यहाँ पर नंबर देंगे। अगर आपने ईयर वाइज नंबर दिए हैं, यानी कि आपको ईयर वाइज नंबर मिले हैं, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 500 नंबर यहाँ पर भरता हूँ और आपको बताना कि उसमें से आपको कितने नंबर आए थे, परसेंटेज यहाँ पर आपको आपकी लिख देनी है। फिर आपको सेम तरीके से 3rd व 4th ईयर के नंबर देने हैं, 5th 6th देने हैं, 7th 8th के देने हैं, और ये सब देने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो फाइनल परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगी। उत्तीर्ण होने का साल, कौन से साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपके पास स्नातक कोर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप वर्तमान में किसी केंद्रीय अर्ध सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी है, कैसे में वो आप देख लीजिए। आपको डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है, संगठन के अंदर आपको उस पोस्ट उस कंपनी का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। फिर आपको संगठन का स्वरूप बताना कि किस तरह का आपका डिपार्टमेंट था, आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर फॉर्म के नीचे आपको वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करना है
जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे आपको वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करना है जब आपने जॉब छोड़ी थी। क्या वेतन आपको मिलता था वो आपको बताना है, ग्रोस पे कितना था वो आपको बताना है, और नौकरी छोड़ने का कारण, किस वजह से आपने जॉब छोड़ी उसका कोई छोटा मोटा रीजन आप यहाँ पर थोड़े से शब्दों में दे दीजिएगा। बट मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और इसमें कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, इसलिए मैं यहाँ पर नो करता हूँ। नो करने के बाद नीचे आता है आपका प्रीफर्ड टेस्ट लोकेशन, यानी कि कहाँ पर आप एग्जाम सेंटर की चॉइस रखना चाहते हैं। तीन लोकेशन आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं और इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम होगा। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको पूछा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है, और टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उनको एक बार चेक कीजिए, और चेक करने के बाद नीचे सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप उसको अभी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहां पर आपको राइट साइड में कंफर्म एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिल चुका है, आप यहां पर एप्लीकेशन कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो यहां पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो चुका है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट एससी एसटी और विकलांग से इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, बट जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए ₹500 फीस है। तो उनके सामने पहले पेमेंट का पेज आएगा, उनको पेमेंट पे करना है, जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तब उनके सामने इंटरफेस आएगा जो कि अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं। आपको यहां पर इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं होगा बल्कि यही आपका प्रिंट आएगा जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, जिसमें कि QR स्कैनर कोड है। तो इस प्रकार से आप लोग HAL मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिजाइन ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।